हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस के निटिंग। देखो आज मैं ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन 14 रोज़ का डिज़ाइन है, वही 14 रोज़ आपको रिपीट करते जाना है पूरी प्रोजेक्ट में। इस डिज़ाइन को आप लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, फ्रॉक जैकेट किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रंग साइड पर ऐसे दिखता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 8 का मल्टीपल में फंदे लेना होगा और प्लस 1 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 8 प्लस 1। इसमें मैंने 8 का मल्टीपल करके 16 प्लस 1 कर लिया है, टोटल 17 कर लिया है। फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच आधा का पीछे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। जाली डालना है इस तरह से। अब दो फंदों को इस तरह से स्लिप करेंगे इस तरह से, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे पीछे की साइड से इस तरह से। अब 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6। अब ये रिपीट करना है आपको। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। यहाँ नंबर 2 का एक करना है पीछे की साइड से, फिर 6 फंदा सीधा, 2 4 6। आपको इन्हीं फंदों को आपको बार बार रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है। आपको इन्हीं फंदों को यहाँ से जाली डालेंगे इस तरह से। आप दो फंदों को इस तरह से स्लिप करेंगे, फिर पीछे से दो फंदों को एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6। सेकेंड रो पूरी सिला आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड रो हर रंग साइड आपको उल्टा उल्टा ही बुनना है। यहाँ नंबर को इस तरह से उल्टा बुनेंगे। पूरी सिला आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। थर्ड रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। जाली डालेंगे इस तरह से, एक फंदा सीधा। अब दो फंदे फिर इस तरह से स्लिप करेंगे इस तरह से, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे पीछे की साइड से। अब 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5। अब इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है एज स्टिच को छोड़कर। यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। यहाँ नंबर एक फंदा सीधा, 2 का एक करना है पीछे की साइड से, 5 फंदा सीधा, 2 4 5। इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है। आपको इन्हीं फंदों को यहाँ से जाली डालेंगे इस तरह से, एक फंदा सीधा। अब दो फंदों को इस तरह से स्लिप करेंगे इस तरह से, फिर पीछे से दो फंदों को एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5। फोर्थ रो सभी फंदे उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। फोर्थ रो फिफ्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। जाली डालेंगे इस तरह से। अब यहाँ दो फंदा सीधा, 1 2, दो फंदा सीधा। और फिर दो फंदों को इस तरह से स्लिप करेंगे इस तरह से, फिर पीछे से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब यहाँ 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4 4 फंदा सीधा। अब ये रिपीट करना है आपको एज स्टिच को छोड़कर। यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। यहाँ नंबर 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर 2 का एक करना है पीछे की साइड से, फिर 4 फंदा सीधा, 2 4। इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करना है आपको। यहाँ से जाली डालेंगे इस तरह से,
दो फंदा सीधा, एक दो, फिर दो फंदे से स्लिप करेंगे, फिर पीछे से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, सिक्स रो, सिक्स रे पूरी सिलाई आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सिक्स रो, सेवेंथ रो, सेवेंथ रो, एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, जाली डालेंगे इस तरह से, इस तरह से जाली डालेंगे इस तरह से। अब यहाँ आपको तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा। अब इस दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, पहले तो इस तरह से स्लिप करेंगे, फिर पीछे से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे पीछे की साइड से। अब यहाँ आपको तीन फंदा सीधा बचेगा, एक दो तीन। अब ये रिपीट करना है आपको एज स्टिच को छोड़कर, यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है यार्न पर। तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। इन्हीं फंदा को फिर से रिपीट करना है आपको, यहाँ से जाली डालेंगे इस तरह से, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, और दो फंदे से स्लिप करेंगे, फिर पीछे से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। एट रो, एट रो पूरी सिलाई आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। एट रो, नाइन्थ रो, नाइन्थ रो, एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, जाली डालेंगे इस तरह से। अब यहाँ आपको चार फंदा सीधा आएगा, एक दो तीन चार, और दो फंदे से स्लिप करेंगे इस तरह से, फिर पीछे से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब यहाँ आपको सिर्फ दो फंदा बचेगा, एक दो, दो फंदा सीधा। अब यही रिपीट करना है आपको एज स्टिच को छोड़कर, यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है यार्न पर। चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, फिर दो फंदा सीधा, एक दो। इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है आपको इन्हीं फंदों को, यहाँ से जारी डालेंगे इस तरह से। अब चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, चार, चार फंदा सीधा, फिर दो फंदे से स्लिप करेंगे इस तरह से, फिर पीछे से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब दो फंदा सीधा, एक ए दो, टेंथ रो, टेंथ रो पूरी सलाह आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। इलेवन रो, इलेवन रो, एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, जाली डालेंगे इस तरह से। अब पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच। अब दो फंदे से स्लिप करेंगे इस तरह से, फिर पीछे से दो फंदों एक फंदा बनाएंगे। अब एक फंदा सीधा, अब यही रिपीट करना है आपको एज स्टिच को छोड़कर, यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है यार्न पर। पांच फंदा सीधा, दो चार पांच, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, एक फंदा सीधा। आपको इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करना है आपको, जाली डालेंगे इस तरह से। पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच। अब दो फंदे से स्लिप करेंगे इस तरह से, फिर पीछे से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब एक फंदा सीधा,
टू बेल रो पूरी सलाब आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। थर्टीन रो एक फंदे से स्लिप करिए एडजस्टीज। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। जाली डालेंगे इस तरह से, छह फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ, और दो फंदे से स्लिप करेंगे इस तरह से। अब दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे पीछे की साइड से। अब ये रिपीट करना है आपको एडजस्टीज को छोड़कर। यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है यार्न ओवर, छः फंदा सीधा, दो चार छः छः, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से। आपको इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करना है। आपको यहाँ से जाली डालेंगे इस तरह से, छः फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः, अब दो फंदे से स्लिप करेंगे इस तरह से, फिर पीछे से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। 14 रो पूरी सलाब आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड डिजाइन 14 रो का डिजाइन है, 14 रो में ऐसे डिजाइन बन के आएगा। आपको रिपीट करते जाना है, वही 14 रोज आपको रिपीट करते जाना है पूरी प्रोजेक्ट में। अब आपको यहाँ से वन रो स्टार्ट करना है, देन रिपीट करते जाना है 1 to 14 रो। रिपीट करते जाने के बाद आपको ऐसे ब्यूटीफुल डिजाइन बन के आएगा। देखिए लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।